नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की खबर फटाफट अंदाज। भारत में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। देश में अभी तक इस महामारी के कारण करीब 1,14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 75,05,000 लोग कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। वर्तमान में 7,07,000 कोरोना केस पॉजिटिव हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं 66,06,000 लोग ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो देश में 579 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3,299 नए मामले सामने आए हैं। 28 मरीजों की मौत हुई है। हैदराबाद में भारी बारिश से सड़कों पर समंदर जैसा मंजर था। अब बारिश थमने के बाद वहां के कुछ इलाकों में रेत और कीचड़ में गाड़ियां चारों तरफ से फंसी नजर आ रही हैं। हैदराबाद में हुई मूसलाधार बारिश से अभी शहर संभला भी नहीं था कि शनिवार को एक बार फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। मंगरोप में ग्राम पंचायत मंगरोप में नवनिर्वाचित सरपंच कमली देवी गुज्जर ने पूजा अर्चना कर आज सुबह 11:35 पर पदभार ग्रहण किया। ग्राम पंचायत मंगरोप के प्रशासक विनोद सोनी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करवाया गया। इस मौके पर हमीरगढ़ सरपंच रेखा परिहार, पूर्व सरपंच देवीलाल खटीक, चंद्रकला सोमानी, नवनिर्वाचित उप सरपंच राजू चौहान, मंच संचालन भगवत लाल गुज्जर सहित वे समस्त वार्ड पंचगण ग्रामवासी उपस्थित थे। अलवर के बांसुर में भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने आज बांसुर में कार्यकर्ताओं से होने वाली जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनावों को लेकर बैठक की। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने बताया कि बांसुर में पहले भी सबसे ज्यादा भाजपा के प्रधान बने हैं और आगे भी बांसुर में भाजपा का बोर्ड बनाएंगे। पूर्व मंत्री ने बताया कि जनता कांग्रेस शासन से उग चुकी है। पंचायत समिति चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर भाजपा का समर्थन करने व लोगों से जनसंपर्क करने के निर्देश दिए। पावटा में विराटनगर विधायक इंद्राज गुज्जर ने अपने निजी आवास भूरी भड़ाज पर रविवार को जनसुनवाई करते हुए अलग अलग थानों से बिजली, पानी, शिक्षा, सड़कें सहित अन्य समस्याएं लेकर आए ग्रामीणों को सुना। संबंधित कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से जनहित के कार्य को बिना समय लगाए समाधान करने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद बांदीकुई से विधायक रही डॉक्टर अलका सिंह गुज्जर पहली बार पावटा कस्बे पहुंची। इस दौरान पावटा कस्बे के एक निजी गार्डन में उनका भव्य स्वागत किया। वहीं स्वागत के दौरान पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर अलका सिंह ने कहा कि संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को पार्टी प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता के बीच विश्वास खो चुकी है। वहीं भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अलका सिंह को भाजपा का राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने पर उनका स्वागत करते हुए खुशी जताई। मसानिया भैरूनाथ मंदिर में नवरात्र के उपलक्ष्य में भैरूनाथ को लगाया 56 भोग का भोग लगाया। श्री मसानिया भैरूनाथ विकास समिति के युवा अध्यक्ष रवि कुमार खटीक ने बताया कि पंचमुखी मोक्ष धाम में स्थित श्री मसानिया भैरूनाथ मंदिर में नवरात्रा के पहले रविवार को भगवान भैरवनाथ के 56 भोग का भोग लगाया। सर्वप्रथम 12:15 पर पुजारी संतोष कुमार खटीक द्वारा महाआरती की गई। उसके बाद भैरवनाथ के 56 भोग का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना को देखते हुए हनुमानगढ़ भारतीय युवा मेघवाल समाज के उपाध्यक्ष चंद्रवान कटारिया ने अपने जन्मदिवस पर की अनोखी पहल। पीलीबंगा पंचायत समिति के गांव 24 PBN के निवासी चंद्रभान ने अपना 27वां जन्मदिन गुरुकुल फतुही अनाथ आश्रम में मनाया। फतुही अनाथ आश्रम में रहने वाले सभी बच्चों व स्टाफ के बीच मिलकर केक काटा गया और मिठाइयां तथा
बच्चों को फल वितरित किए और चंद्रपान कटारिया जन्मदिवस पर बधाई दी। इससे पहले बच्चों ने उनके जीवन के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ उज्जवल भविष्य की कामना की। 30 साल से भारतीय सेना सूरतगढ़ छावनी में सर्विस कर रहे भजनलाल कटारिया के पुत्र चंद्रभान अपने मां बाप का लाडला बेटा है। वह बीटेक कर अब जेएन की तैयारी कर रहा है। चंद्रभान ने बताया कि हम तीन भाई बहन हैं, बड़ा भाई बीएसएफ मेघालय में पोस्टेड है। चंद्रभान ने कहा कि बड़े भाई ने मुझे वीडियो कॉल के जरिए जन्मदिन पर बधाई दी है। बांदीकुई विधायक जीआर खटाना ने बांदीकुई में करीब 40 लाख की लागत से निर्मित विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 10 सीसी रोड का लोकार्पण किया। जिसमें विधायक खटाना ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप सीधे आकर मुझसे मिले, मेरे घर के दरवाजे आपकी सेवा में हमेशा खुले मिलेंगे। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, वह विकास की गंगा बहा दूंगा। कहा कि वे मैंने प्रयास किया और पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा एक विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 53 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क स्वीकृत करवाई है। हिंदू टाइगर फोर्स का संगठन का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाखन सिंह नायक के नेतृत्व में जिला व तहसील कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें झालावाड़ जिला प्रमुख कृपाल सिंह एवं डग तहसील प्रमुख श्याम सिंह चौहान, ग्राम नाहरगट्टी एवं श्याम सिंह सोलंकी डग नगर प्रमुख नियुक्त किया गया, जिसमें सगतपुर एवं मेहरबान सिंह हिंदू टाइगर सदस्य ग्राम लुहारिया ने सदस्यता ग्रहण की। जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील स्थित देवराय मंदिर के औरन क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा पिछले कुछ महीनों से प्रतिदिन करवाई जा रही निगरानी के दौरान इस विशाल औरन में छिपे अनेक दुर्लभ जीवों का पता चल रहा है। इसी क्रम में आज औरन में विचरण करते हुए दुर्लभ प्रजाति के कछुए को देखा गया, जिसकी जानकारी वन्य जीव विशेषज्ञों व वैज्ञानिकों को दी गई। देवराय मंदिर औरन विकास समिति के सुमेर सिंह भाटी ने बताया कि यह इंडियन फ्लेपशेल टर्टल प्रजाति का पानी का कछुआ है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ रविवार को खेले गए आईपीएल मैच में किंग्स इलेवन पंजाब के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल ने किरेन पोलार्ड की गेंद पर ऐसा छक्का मारा जिसे वे देखते रह गए। दरअसल किंग्स इलेवन पंजाब की पारी में सातवें ओवर की पांचवी गेंद पर क्रिस गेल ने किरेन पोलार्ड को छक्का जड़ दिया, जिसके बाद किरेन पोलार्ड का रिएक्शन देखने लायक था। क्रिस गेल ने के लगाए छक्के की कोरन पोलार्ड देखते रह गए। क्रिस गेल ने इस मैच में 21 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली, जिसमें एक चौका और दो छक्के शामिल हैं। खबरगांव शहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।